सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। कितने लोग खुश हैं? सारे बोले हालेलुया। जब आप हालेलुया बोलते हैं आपका मैं कह रहा हूं कि एक ग्राम खून बढ़ता है। जब आप किसी को स्माइल करते हैं यीशु मसीह के नाम से आपका दो ग्राम खून बढ़ता है। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। जब आप बुझी हुई लालटेन बन के घूमते हैं तो आपका 2 किलो खून कम होता है। लेकिन आपने जब एक आनंद के साथ क्योंकि परमेश्वर ने जो पेड़ लगाया है वो आनंद का एक पेड़ लगाया, आनंद का। हालेलुया। यीशु मसीह वो पेड़ है और वो आनंद का पेड़ है और वो बोलता है करा के जितनी टहनियां मेरे साथ जुड़ी रहेंगी वो भी आनंदित हो जाएंगी। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप आनंद करने के लिए बुलाए गए हो। आप रोने और विलाप करने के लिए नहीं बुलाए गए। आप हल्ला मचाने के लिए नहीं बुलाए गए। आप शराब देने के लिए नहीं बुलाए गए। आप दुखों में जीवन बिताने के लिए नहीं बुलाए गए। आप कष्टों में रहने के लिए नहीं बुलाए गए। आप आनंद करने के लिए बुलाए गए क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है कि मेरे पास वो फल है। और बाइबल बोलती है कि मेरे पास कहता है कि बिल्लौर की नदी से कहा कि जब निकली तो कहता वहां से कहा कि एक पौधा कहता वो पेड़ बना और पेड़ बना कहता ऐसा पेड़ बना कहता उस पेड़ पर 12 प्रकार के फल लगते थे और वो 12 महीने में नया फल देता था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। केवल एक पेड़ मतलब एक पेड़ में एक पेड़ ऐसा है कहता है कि वो 12 फल लगाता है। हालेलुया। बाइबल बोलती है उस पर 12 फल लगते हैं। हालेलुया। तो आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा बोल रहा है कि एक व्यक्ति के अंदर, एक मसीह व्यक्ति के अंदर कहता है कि वो आशीषें छिपी हैं, वो 12 फल छिपे हुए हैं। आप जिसको भी खिलाएंगे वो पूरे साल आनंदित रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। पूरे साल आनंदित रहेगा। हालेलुया। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? आपके अंदर है तो आप कहें आमीन। आप कहें चीखे और चिल्लाए वो आनंदित हो रहे हैं इस साल के अंदर। आपको बता रहा हूं कि मेरे परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। हालेलुया। मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन क्या हो गया, मेरी पूरी फैमिली का एक साथ वीजा दे दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डरा रहा हूं उसको जो सुन रहा है, जो बुझी हुई लाइट है। अरे बोले हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। हालेलुया। जो दुश्मन है, दुश्मन कौन? मैं उस शैतान को डरा रहा हूं। हालेलुया। शैतान को डरा रहा हूं। क्या हुआ, एक रात वो आया और उसने कहा कि तेरी बेटी के डॉक्यूमेंट ठीक नहीं हो और तेरी बेटी का वीजा नहीं लगेगा और तुम्हारा भी कैंसल। मैं उठा और मैंने बोला आई एम लाइट। हालेलुया। मैंने कहा लाइट जा रही है, लाइट उस काउंसलर के पास, उस एम्बेसडर के पास, उसको वीजा देना पड़ेगा। एक नहीं, चारों वीजे एक साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरी बेटी बोल रही थी कि पापा आप इसकी प्रार्थना करते हो, किसी का कनाडा का वीजा लगता है, किसी को यूएसए का, किसी का कहीं का, किसी का कहीं का, हमारा नहीं लगेगा क्या? एक डॉक्यूमेंट गलत था। एक डॉक्यूमेंट क्या था? छुट्टी नहीं थी और प्रिंसिपल ने सेक्रेटरी ऑफ स्कूल से। हालेलुया। लेकिन मेरी बेटी ने बोला पापा मेरा वीजा आएगा, आई एम लाइट। हालेलुया। और क्या हो गया, सबसे पहले जब मैंने उसका पासपोर्ट खोला, मेरी वाइफ ने, तो क्या हो गया, सबसे पहले उसका ही वीजा था। हालेलुया। शैतान हार गया। आपको बता रहा हूं कि बहुत बार हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं, बहुत बार हमारे ख्याल में, हमारे विचारों में ऐसी समस्याएं आती हैं। लेकिन पवित्र आत्मा क्या बोलना चाहता है और क्या बताना चाहता है? पवित्र आत्मा बताना चाहता है कह रहा कि वो अंतर नहीं करूंगा, वो डिफरेंस नहीं करूंगा। कह रहा क्योंकि तुम डिफरेंट हो, तुम कहो आई एम डिफरेंट। हम डिफरेंट हैं किसके लिए? परमेश्वर के लिए। अगर आप जीवन जीना जानते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में चमत्कार करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। कौन है? भला करने वाला परमेश्वर। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो पहले बुरी बात सुनने, बॉम्बे बोलते हैं पहले सुनने का है, फिर बोलने का है, फिर तोलने का है, फिर चलने का है। हालेलुया। सुनो कहां लगाते हैं वो जरूर हर चीज के पीछे। हालेलुया। आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इस बात के लिए कि कितने लोग अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, हाथ खड़ा करके बताएंगे और झूठ नहीं बोलेंगे। मैं देख रहा हूं। हालेलुया।
कितने लोग प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, और कितनी पत्नियां अपने पति से प्रेम करती हैं, हाथ खड़ा करें। सारे बोले हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि मैं भी प्रेम करता हूं। अगर मेरी पत्नी मुझे कहे कि तो छत से छलांग लगा दे, तो मैं कभी नहीं लगाने वाला, ऐसा प्रेम नहीं करता हूं मैं। सारे बोले हालेलुया। हम रोज देखते हैं फिल्मों में, नाटकों में, मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूं, झूठा कहेगा। कहीं सीढ़ी से कभी छलांग नहीं लगाई, लेकिन बाइबल क्या बोलती है, मैं उसके लिए बता रहा हूं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो नकली नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का जो प्रेम है वो नकली नहीं है, वो जैसा बोलता है वो करके दिखाता है, वो जो है वो सू है। हालेलुया। वो बोलता है जैसा मैं हूं, कहता है कि वैसा कोई नहीं है। हालेलुया। वो कहता है कि मेरा प्रेम असली है। उसने कहा कि मैं क्रूस पर आऊंगा और तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। तुम्हारे लिए कोई सपना नहीं था, कोई फिल्म नहीं थी, कोई नाटक नहीं था, लेकिन वो आया और उसने अपनी पत्नियों के लिए जान दे दी। इस धरती पर जितने भी लोग रहते हैं वो उसकी पत्नियां, और वो हमारा पति है, वो परमेश्वर है, वो पिता है, हम उसके बच्चे हैं, लेकिन वो उसने जान दी हमारे लिए क्रूस पर। उसने कहा कि करा मेरा प्रेम असली असली। हालेलुया। अब रोमियो की पुस्तक पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक में देखेंगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग झूठे वादे करते हैं। उसके 8 और 28 में हम पढ़ेंगे, 28 में सुनो, बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, कहते हैं पवित्र आत्मा सच में पता नहीं कब भलाई दिखाएगा, हमने बहुत सारा अपने लोगों का भला किया, अपने सितारों का भला किया, लोग शिकायत पर शिकायत करते हैं परमेश्वर के सामने, और एक ही बात रखते हैं, एक ही क्वेश्चन रखते हैं कि परमेश्वर हमने तो अपनी ताई दा इन्ना भला किया, अपने मामे के मुंडे दा इन्ना भला किया, अपनी भैन दा इन्ना भला किया, लेकिन जब साड़ी वारी आई उन्हें साड़े नाल भलाई नहीं की। हालेलुया। बहुत बार लोग डरते रहते, रोते रहते और चिल्लाते रहते, हाय हाय करते। उन लोगों के जीवन में जब दुख आ जाता है वो लोग टेंशन में चले जाते हैं। हालेलुया। बहुत बार लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन जब कोई दुख आता है तो अपनी पत्नियों को चांटे भी लगाते हैं, जब कोई समस्या आती है तो वो थप्पड़ भी मारते हैं, टेंशन में भी आ जाते हैं। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है वो निराला है। हालेलुया। यहाँ पर लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा का प्रेम अनोखा है, उसके प्रेम में धोखा नहीं है, लेकिन लोग नहीं जानते। वो लोग दुखों में, बीमारियों में, समस्याओं में, कर्जों में पड़े रहते हैं, वो लोग परमेश्वर की भलाई को वो नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो आज मेरे द्वारा आपको अपनी भलाई को दिखाएगा। हालेलुया। वो अपनी भलाई को दिखाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वो आज अपनी भलाई को आपको दिखाने के लिए जा रहा है कि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। आज जितने भी मसीह लोग हैं, इस बात को याद रखना कि परमेश्वर आपका भला करने के लिए आया हुआ है, आपका नुकसान करने के लिए नहीं आया, आपको दुख में रखने के लिए नहीं आया। अगर आज आप कहीं टेंशन में है, आज आप कहीं डिप्रेशन में है, मैं कह रहा हूँ कि वो परमेश्वर अपनी भलाई को दिखा रहा है, वो अपनी लाइट को इस चर्च में उतार रहा है, और आपके ऊपर आज पवित्र आत्मा अपनी भलाई को छोड़ेगा और आप तरक्की करना स्टार्ट करेंगे इस मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। लेकिन लोग बोलते हैं कि हम मसीह में हैं, 14 साल हो गए, हम क्रिश्चियन हैं, बाइबल क्रिश्चियन हैं, लेकिन मेरे जीवन में ये दुख आया है, मेरे जीवन में ये बीमारी अभी भी बनी हुई है, मेरे जीवन में समस्या अभी भी बनी हुई है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार जो दुख है वो हमारी प्रमोशन को लेकर आता है यीशु मसीह के नाम में। आप पढ़े कोई रोमियो का 28। हम जानते हैं कि जो लोग जोर से पढ़े, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा, यहाँ लिखा हम जानते हैं करा जो मसीह से प्रेम करते हैं, करा हम जानते हैं जो प्रेम करते हैं, करा वो जल्दी परमेश्वर की भलाई को देखने के लिए जा रहे हैं। क्या आप अपनी पत्नी से प्रेम रखते हैं, अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं कि नहीं? लेकिन आज जितने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, दाऊद बोलता है परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं, उसने परमेश्वर की भलाई को देखा, भेड़ बकरियों से राजा बना दिया गया। हालेलुया। दानियल ने जब कहा कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो दानियल के साथ क्या हुआ, उस दुख के गड्ढे में से बाहर आ गया। बहुत बार हम दुख के गड्ढे में पड़े रहते हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गड्ढा उतना ही गहरा हो जाता है।
इतना भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग प्रेम करते हैं परमेश्वर से, जो लोग दुख में रहकर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर उनके गड्ढे को खत्म करता है और उनको बाहर फेंकता है। बाइबल बोलती है कि वो अपने वचन के द्वारा वो गड्ढे में से बाहर निकालता है। हालेलुया। हर एक दुख के गड्ढे में से, हर एक बीमारी के गड्ढे में से, हर एक समस्याओं के गड्ढे में से आज आपको परमेश्वर बाहर निकालने के लिए आया हुआ है। लेकिन बाइबल क्या बोलती है, कह रहा है कि हम जानते हैं कितने मसीह से प्रेम रखते हैं। यहाँ पौलुस बोलता है, कह रहा है कि मैं जानता हूँ, कह रहा मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। लेकिन आज का इंसान क्या बोलता है, कह रहा हाँ मैं पापा तुझसे प्रेम करता हूँ। लेकिन जब कोई विपत्ति उसके ऊपर आती है तो उसका प्रेम ठंडा हो जाता है। जब कोई दुख आता है वो चर्च में आना छोड़ देता है, जब कोई समस्या आती है वो बाइबल पढ़ना छोड़ देता है, जब उसके घर में कोई पता लगता है कि बीमार है, बीमारी है, जब उसका नुकसान हो जाता है, वीजा फ्लॉप हो जाता है, तो क्या करता है, आज उनके काम जब नहीं बनते हैं तो वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर की ओर देखते रहते हैं और उसको कोसने भी लगते हैं, यहाँ तक भी गिर जाता है आज का इंसान। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर देखता है उस समय में, आज जितने लोग बोलते हैं परमेश्वर उनको परखता है। कह रहा जितने लोग बोलते हैं कि मैं तुझसे पापा प्यार करता हूँ, मैंने बोलते हैं फिलिपियों की पुस्तक में लिखा, कहता है एक बंदा अगर जब तक सुबह उठकर ये नहीं कहेगा कि आसमान की ओर हाथ उठाकर, आप प्रार्थना ही तो करते हैं, लेकिन अगर आप हाथ उठाकर परमेश्वर को नहीं बोलते कि परमेश्वर ये तीन बातें आपको बोलनी चाहिए, आपको कहना है कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ तो मेरे बहुत नजदीक है, अगर आप ये नहीं जानते, नहीं विश्वास रखते, तो वो आपकी भलाइयों को कभी नहीं दिखाएगा। आपको कहना है परमेश्वर मैं जानता हूँ तू मेरे नजदीक है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और तेरे अनुग्रह का धन मेरे ऊपर बहुत आयात है। आप कभी गरीब नहीं हो सकते अगर ये तीन बातें बोलते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ये बोलते हैं कि अनुग्रह का धन बहुत आयास से मेरे ऊपर है, आप कभी गरीब नहीं होने वाले। और आप बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे लहू से छुड़ा लिया गया हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, पवित्र आत्मा कह रहा कि किडनियों में पथरियां नहीं जाने दूंगा, कह रहा कि सुनो मैं उनको चंगा करूंगा। हालेलुया। लेकिन आपका प्रेम, कहता पौलुस कहता है अरे क्या हो गया, थोड़ा दुख आया, थोड़ी बीमारी आई, थोड़ा समस्या आई, उनका प्रेम ठंडा हो जाता है, उनका प्रेम ठंडा हो जाता है, उनका पास मार लेता है प्रेम। लेकिन पौलुस कहता है को क्या दुख, क्या बीमारी, क्या क्लेश, क्या संकट। जब वो जा रहा था स्पेन में, वो स्पेन में जा रहा था आपको बता रहा हूं, लेकिन क्या हो रहा था आपको बता रहा हूं कि क्रिसिया उसको जाने नहीं दे रही थी, कह रही नहीं वहां पे बहुत दुख उठाएगा तू, अरे वहां पर बहुत सारा ऐसा है, बहुत सारे ऐसे लोग जो विश्वास नहीं करते। लेकिन उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा, और जब क्रिसिया ने उसका सहयोग दिया तो वो गया। आपको बता रहा हूं कि रोम और वो स्पेन में लोग बदले गए। हालेलुया। लोगों ने परमेश्वर को अपना जीवन दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में कोई ना कोई दुख उठाना है। बाइबल बोलती है कि अगर आप दुख नहीं उठाते, बाइबल बोलती है कि जो दुख नहीं उठाता वो मेरा चेला नहीं है। कह रहा है कि जो दुख नहीं उठा रहा, कहता वो मेरा चेला नहीं है। कह रहा क्यों, कहता है कि हम दुख उठाते रहेंगे, वो कह रहा नहीं, कह रहा कोई कह धरती के ऊपर, कह रहा जितना मसीह लोगों के ऊपर दुख आएगा उतनी ज्यादा मैं इनकी प्रमोशन करूंगा। ये परमेश्वर का एक प्लान है अपने लोगों के लिए, क्योंकि वो एक अंतर करता है। अंतर मैंने क्या बताया कि जल के दो भाग कर दिए उसने अंतर किया कि नहीं किया, आसमान और धरती में अंतर कर दिया। वो बताना चाहता है, कहता है कि मैं आशीष कैसे दे दूं। कर अगर ये आशीष लेकर अगर एक जादूगर जो मांग रहा था पत्रस से, जो बोल रहा था, कहना था परमेश्वर के संतों को, कह रहा था कि ये आशीष या अभिषेक मुझे दे दे, मेरे से पैसे ले ले, लेकिन अगर वो उस समय दे देता तो वो परमेश्वर के नाम को बदनाम करता। हालेलुया। लेकिन उसने कहा, उसने नहीं दिया, उसने उसको बताया कि परमेश्वर के वचन पर अमल कर। हालेलुया। और आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर उन लोगों को देखना चाहता है, उन लोगों की तरक्की करना चाहता है। कह रहा कि उन लोगों को कहता है जो लोग अपनी लाइफ में दुख नहीं उठाना चाहते वो लोग इतने बढ़ते हैं, लेकिन जो लोग ज्यादा दुख उठाते हैं पवित्र आत्मा कह रहा कि वो इतनी तरक्की करते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है। कहता है दुख अगर जब तक नहीं आएगा आपकी प्रमोशन भी नहीं होगी। अगर आपकी लाइफ में दुख आया, क्योंकि बाइबल बोलती है, यीशु मसीह बोलता है जो दुख नहीं उठाता वो मेरा चेला नहीं है। कर अगर आप दुख उठाते हैं, अरे क्या हो गया, क्या परमेश्वर ने आपको आशीष नहीं दिया। लेकिन यहाँ क्या लिखा, यहाँ लिखा के अब्राहम के बारे में बोलता है, बाइबल बोलती है, हालेलुया, कि जब वो 90 साल से दुख उठा रहा था, 90 साल हो गए इसको दुख उठाते उठाते, परमेश्वर ने कहा तू रेगिस्तान में जा, वो गया, कहा पहाड़ पर जा, गया, कहता बच्चा ले आ, सब कुछ ले आया। उसने क्या दुख नहीं उठाया परमेश्वर के लिए, सब कुछ किया। लेकिन उससे पहले जब उसको बच्चा नहीं हुआ था, तो उस समय परमेश्वर ने क्या किया उसकी लाइफ के अंदर, एक रात वो इतना टेंशन में आ गया, लोगों ने उसको टेंशन दे दिया, कह रहा जिसके साथ, कहता तू इतनी भलाइयां करता है, कह रहा परमेश्वर कितना क्या ना मानता है, लेकिन तुझे आज तक बच्चा नहीं दिया, तुझे औलाद नहीं दिया,
कहता तू छोड़ दे इस परमेश्वर को। लेकिन सारा और अब्राहम जब टेंशन में आए तो परमेश्वर उनको ऊपर से देख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। पहला व्यक्ति है बाइबल के अंदर अब्राहम, जिसका हाथ पकड़कर परमेश्वर तंबू में से, उत्पत्ति के 15 में लिखा कि परमेश्वर उसका हाथ, आपको बता रहा हूं कि उसको तंबू में से लेकर आया और बोलता है कि देख आसमान में कितने तारे हैं। कहता जितने तारे हैं, कहता इतनी औलाद दूंगा और इतनी भलाई करूंगा तेरे साथ में। कह रहा कि डर मत, विश्वास रख। कहता क्यों? कहता क्योंकि मैं तेरे साथ भलाई करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं भला करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज का इंसान भलाइयां करता तो है लेकिन डरता है। आज का इंसान वो बाहर खड़ा है, सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। ये भाई बता रहे हैं इनकी बहन को 4.5 से बच्चा नहीं था, 4.5 साल से, 4.5 साल से इनकी बहन को बच्चा नहीं था। जैसे ही चर्च में आए, इन्होंने यहाँ बैठ के प्रार्थना किया, अपने भूषण किया और इस भाई ने उसे रिसीव किया। और ये बता रहे हैं आज इनकी बहन को आज प्रभु ने बेटे के साथ ब्लेसिंग दी है, इसी के सामर्थी नाम में। हाँ जी, क्या हुआ? कितने साल से बच्चा नहीं था आपकी बहन के पास? मेरी सिस्टर को मैरिज 2007 में ही हुआ था और 2011 तक, मतलब कि इधर खड़े हो, 2011 तक उनकी मैरिज में कोई लाइफ में बेटी नहीं था। लेकिन जब भी मैं परमेश्वर के वचन को सुनता था और मैं विश्वास करता था कोई है हमारा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि जो आप प्रेयर करते हैं, जिनकी प्रार्थना आप आगे रखें, और मैं विश्वास करता हूं जो डॉक्टर उनको जवाब देते, या माँ को, डॉक्टर ने क्या बोला था, या माँ को बचा लो, सुनो डॉक्टर ने क्या बोला था, या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा। तो मुझे विश्वास, मेरे घर वाले रोने लगे, लेकिन मुझे विश्वास था कि प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। एक लड़की और एक लड़का, उसको ब्लेस किया। दो बेटे हुए, एक लड़की हुई, फिर उसके बाद साल बाद एक बेटा हुआ, एक बेटा हुआ। और मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ, मेरा मैदा सारा सड़ चुका था। मैदा क्या होता है? लीवर, जो अंदर सारा खत्म हो चुका था लीवर। हाँ जी, 2014 में। लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका मैं डीडी पंजाबी में जो प्रोग्राम देखता था, मेरी मम्मी बोलती है, सारे कहते हैं तू मसीह में छोड़ दे, तू अपने धर्म में आ हिंदू में। मैं नहीं, मैं मसीह में हूँ। मेरी मम्मी बोलता भी तू सब कुछ विश्वास कर, लाजर की तरह सब बचाया जाएगा। विश्वास करता, प्रभु ने मेरे को आशीष दी, सब कुछ लगने लगा। उसके बाद मेरे को अपना कारोबार दे दिया, सब्जी का कारोबार। रोज का मैं 1000 रुपया कमाने लगा। लेकिन अब आप पर, मैं 3 साल से भी बीज रहा हूँ भवन में, और परमेश्वर का धन्यवाद कि अब मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं और मेरे पापा भी बीजते भवन के लिए, और आज मेरा डबल मंजिली मकान है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मेरे रिश्तेदार कहते छोड़ते, लेकिन वो इधर ही है, लेकिन मेरे को परमेश्वर ने मेरे को ब्लेस किया। ताड़ी बजा के भाई बता रहे हैं कि 4.5 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, इसकी बहन को प्रार्थना किया, डीडी पंजाबी पर देखता था, हालेलुया, और प्रार्थना किया। देखो क्या हुआ कि पहले बेटी हुआ फिर बेटा हुआ, हालेलुया, हालेलुया। और आपको बता रहा हूँ कि ये परमेश्वर की आशीष है। लीवर डैमेज था, कह रहा मैं डीडी पंजाबी पर देख रहा था, पवित्र आत्मा ने छुआ इसको और चंगा हुआ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज कह रहा है कि मेरा कारोबार अच्छा है, मैंने मकान भी बनाया, सब कुछ किया है। ये परमेश्वर है, ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के लिए, हालेलुया, हालेलुया। ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਮਿਲਦਾ।
ते झगड़े आजाद हुंदे ने, ते झगड़े आजाद हुंदे ने, ते झगड़े आजाद हुंदे ने। लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लोग सच में खोई आत्मा तेरे कामों में बीज बोते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनका बीज आज से फल लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये लोग 30 गुना 60 गुना 100 गुना काटने वाले होते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके बच्चे पढ़ने लगे यीशु मसीह के नाम से, ये फैलने लगे। मैं प्रार्थना करता हूँ पत्नी के मरीज इसमें चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में,
आइए, हाथों को उठाए, हाथों को उठाए ईश्वर की ओर। पवित्र आत्मा में तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने लोगों ने आज सच में पवित्र आत्मा जी तेरी सेवकाई के लिए, तेरे स्वर्ग राज्य के लिए बीज बोया है, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर तू इनको आशीष देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं कि परमेश्वर तू इस वर्ष में इनको बढ़ाने के लिए जा रहा है। मैं इनके बिजनेस को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं इनकी जॉब को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं इनके बच्चों को ब्लेस करता हूं, इनकी हड्डियों को, इनकी मांसपेशियों को, इनके खून को, इनके दिमाग को, इसी से मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। घोषणा करता हूं कि ये लोग आज से फैलते फूलते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, जैसे तूने अब्राहम, इसहाक और याकूब को प्रेम किया, मैं विश्वास करता हूं कि तू आज इनके साथ वो भलाई को करने के लिए जा रहा है, वो प्रेम इनको दिखाने के लिए जा रहा है। और इसी समय पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह इनके पर चमके, और तूने जो अंतर किया मेरे पिता, और सच में इसलिए किया कि मेरी लाइट पृथ्वी के ऊपर उजाले को लेकर आए। और परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आज तेरी लाइट बनकर ये निकलेंगे और पूरी दुनिया के अंदर उजाला देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं विश्वास करता हूं कि ये लोग तेरे नमक हैं, ये लोग तेरे नमक हैं, और नमक का स्वाद बिगड़ेगा नहीं। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि ये सच में पवित्र आत्मा तेरे नमक है, और नमक कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करता। मेरे पिता परमेश्वर, इन्होंने तेरा नमक खाया और ये लोग आशीषित हो। पवित्र आत्मा, तूने कहा तुम मेरे पृथ्वी के नमक हो, नमक। और पवित्र आत्मा, तू सच में अपने लोगों को आशीष दे रहा है। मैं पिता यीशु मसीह के नाम से घोषणाएं करता हूं कि ये चर्च बढ़ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ये लोग बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, ये बच्चे तरक्की कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जिनके भी हड्डियों में प्रॉब्लम है, इसी समय आजाद हो जाए, उनकी हड्डियां इसी समय चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय बवासीर के लोग आजाद हो जाए, पथरियां रसोलियां जाती रहे यीशु मसीह के नाम में, हर एक कर्जे की गंदी स्प्रिट इनको छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक बैड स्प्रिट जाती रहे यीशु मसीह के नाम से, हर एक गंदी एविल स्प्रिट को मैं डांटता हूँ, जा इनके शरीर को छोड़ और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूँ तूने अपने लोगों को छुआ है, जो लोग इस समय हाथ उठा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा तूने इनको छुआ और आजाद किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। परमेश्वर, जो आज तेरे वचन को सुनते हैं और मानते हैं, उनके ऊपर तू आज दया बनाए रखना परमेश्वर, तेरे अनुग्रह चमके का मैं विश्वास करता हूँ कि और ये लोग आज से आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। सारे बोले हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रोफेट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।